निमंत्रण कार्ड आया है। कच का निमंत्रण बीबी गोतिंग ले कहीं सो गए क्योंकि सो नहीं रहे थे ना बड़ी मुश्किल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का वक्त और आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए हमारे नाक अजीब सा लग रहा है ना, नहीं पहने हैं तो बहुत मतलब बगल वाली भाभी लोग सब बोल रहे थे कि काहे नाका खोल दिए। हम जी नहीं भी देख ले रहे हैं क्योंकि वो जो हम लोग नाका खड़े तो वो तो हो ही नहीं रहा था। और हमारे पतिदेव जी देखिए अभी ला रहे हैं पानी, मदद करते हैं। हाँ, मेरे लिए पानी ला के रख देते हैं ना क्योंकि कभी कभी हम जब बर्तन वगैरह धोना है अभी और ये पानी ला के रख दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक काम तो अच्छा कर ही देते हैं। और अभी जा रहे हैं नहीं नहीं जो काम सौंपा वो काम करो पहले। और अभी जा रहे हैं हम क्या बत छाटो बाबा को मैं छाटो पहले हम गंभीर रह रहा है बात बात होगा ठीक। क्या क्या सामान जो है छुपा के रखे हुए रहते हैं? छुपाए नहीं, कल आया था इधर दिखने वाला ना तो हम लिए थे। ये देख ये लिए हम मुझे जो कि बाबू को अच्छा लगता है खाने में ना, तभी हम बनाएंगे इसका। और ये वही है लावा जो आप लेके रखे थे और खराब हो रहा था दीपावली में। ये देखिए जिनोरा वाला जिनोरा, इसका मिठाई खा है ये जिनोरा का है लावा, इसे खाए है आप मिठाई? बहुत यम्मी लगता है। तब ये मिला के ना अभी बनाने वाले हैं लाइव, तो उससे पहले जा रहे हैं बटन धो लेते हैं। और ये मुझे काम भी है कमेंट छाटने का, तो आप सब जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना उसका रिप्लाई तो हमें देना है ना। दोस्तों अभी देखिए मौसम कितना खराब हो गया है, अभी शाम भी नहीं हुआ है और चारों तरफ देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा। अरे पानी लाया है यार, कहीं पानी गिरने लगा तो हमारा रोड भी इतना अच्छा है कि थोड़ा सा पानी गिर जाता है पूरा मिट्टी लग जाता है चक्का में, चक्का जाम हो जाता है। तभी हम लोग कर रहे थे कमेंट रीड कर रहे थे बैठकर, तो अभी जा रहे हैं फटाफट से जो जो कपड़ा सुखाया ना वो सारा कपड़ा उठा लेते हैं। अभी चीकू सुया हुआ है, जो जो काम बचा वो पूरा करके फिनिश कर देते हैं। नहीं पता लग तो रहा है बादल, देखिए पूरा बादल, उसका भी नहीं पता हमको, हम खुद जो काम करते हैं अपना खुद से कर लेते हैं। इधर देखिए डुगू हमारा भी खा रहा है भुंजा। हाँ 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 दोस्तों, आज किचन में बहुत दिनों के बाद बनने वाला है मुरही का लाई, और हम लोग इसे ठेठ भाषा में लाई ही बोलते हैं। हो गया ऐसे, यहाँ पर मुरही का लड्डू बोलते हैं ना, उधर रखे हैं अभी नहीं बना बेटो, नहीं नहीं अभी नहीं बना, यहाँ रखे दो तरह का, देखो यहाँ रखे अभी बनाएगी मम्मी बेटा। एक देखो गरम है, गरम है, गरम है ना, जब ऊपर से जब बाबू खिलावा हो जाएगा उतना में अच्छा लगेगा खाने में। अभी फरमाइशी था बनाए नहीं है, मकर संक्रांति से बना देते हैं। एकदम झकास सा निकल रहा है लाई और खा रहे थे हमारे बड़े वाले, अब खायल हो गया तो वापस दे दिए। कितना अच्छा लग रहा है, गोल गोल एकदम निकल रहे हैं, इसको बस डिब्बा में पैक कर देना है। अभी इतने दुकान से पिछली बार लिए थे कैसा लिए थे, कैसा था? और दे रहे बेटा आप भी तो बना दे रहे हैं, गोलू खाते रहते हैं बेटा, नीचे बनाए खाइए गोलू, डायरेक्ट बोलते हैं आओ दे आ दे लो 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 दे दे दो यार। अरे आ ले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम चीकू को लेकर ये टीकाकरण करवाने, क्योंकि बाबू का डेट था 10 तारीख को दिया हुआ था लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बाबू का ना वोमिटिंग वगैरह हो रहा था ना, तो इसलिए हम नहीं दिलवाए, सोचे कि नहीं एक दो दिन रुक जाते हैं। तो अभी लेकर जा रहे हैं बाबू को, तो इधर हमारा बाबू हो चुका है अच्छे से रेडी। हाँ देखिए किस दोनों में देखिए पूरा पैर कैसे उठा रहा है। तो अभी भी चलिए हो गई जी रेडी? हाँ, मतलब आज मतलब डर लग रहा है बहुत सारा क्योंकि बाबू को पता नहीं आज क्यों को लगेगा है। और ये तो बोले रूबी मत लेके जा बाबू को, मैं जो है ना इतना रोता है बहुत खराब लगता है। हाँ बाबू का रोना देख के ना हम लोग के आंख से आंसू आ जाता है, डर लगता है ना जब भी इसका सिर भोग आता है, तो कितना खुश है इसको लग रहा है मम्मा घुमाना लेकर जा रही है। अगला को क्या पता है कि कहाँ हम जा रहे हैं,
वो छोटा है मेरा मासूम सा। हर माँ लोग को लगता होगा जी क्या कीजिएगा, लेकिन बच्चे का फ्यूचर के लिए तो हमको ये करना ही पड़ेगा ना। अब तो टीका और ज्यादा बढ़ा दिया है, तो चलिए फिर लेट हो जाएगा तो बहुत वहाँ भीड़ लंबा लाइन लगना पड़ता है। कभी पिछले बार गया था ना तो जल्दी हो गया था, इस बार नहीं पता कितना लेट लगेगा। तो बस अब लोग निकलते हैं, भीड़ नहीं है। तीन को इंजेक्शन अभी लगा है और अभी एक और लगेगा, मतलब तो चार इंजेक्शन तो बोले कि पहले तो चुप कर लीजिए, तीन को ज़्यादा दर्द रहा होगा। आज हम लोग का दिन भर हो गया काम, बहुत ज़्यादा रो रहा था। अभी तो शांत है थोड़ा सा, इंजेक्शन पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। सॉरी, तीन ही इंजेक्शन को लगना था और इस बार तो हमको नहीं पता, तो हमको लगा शायद लिखा ले तो पिलाई वो भी हो गया उसी में। देखते हैं बड़ा तो ठीक है यार, आगे लेकर दोस्तों। वहाँ से आने के बाद ना फिर हम चले गए थे बाबू को लाने के लिए, और ये तेल बताते भी नहीं तेल लाना है, अचानक फोन कर रहे हैं कि तेल ला दीजिएगा। सुबह बोले थे आप, भूल गए, सुबह मंदिर गए थे ना, तक नहीं, उसमें हम बोले थे आपको लेते आइएगा, ये सब्जी नहीं बनाए हम। मंदिर गए तो फिर भुला गए हम लाने के लिए। वहाँ से आते हैं, ये जो देखे डुबो के प्लास्टिक में क्या लिए है पापा, तो लगे रोने, और प्लास्टिक भी बड़ा लाजवाब दिया है। आज आते आते क्या आती आती छीन लिया होमवर्क दी, फिर लगा नहीं होमवर्क नहीं है, दो एक्स्ट्रा डालते हैं कॉपी में, दही आएंगे तो क्या क्या है। तो दोस्तों पूर्तिनाथ मंदिर, पूर्ति धाम मंदिर नाम है, पूर्ति धाम मंदिर, ये सब रहे प्रसाद। तो आप सभी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। अभी सुबह में इतना जल्दबाजी में आए, नाश्ता किए, तुरंत बाबू को इंजेक्शन दिलाने के लिए ले गए थे हम लोग टीकाकरण करवाने। उसके बाद आया तो भी खाना में फिर गए, फिर बाबू को गोदी दे लिए, फिर डुबू आए तो यार थोड़ा बाबू देना है प्रसाद दी, अभी तो प्रसाद ही हम नहीं खाए हैं। जय हो पूर्तिनाथ बाबा मंदिर। और वहाँ पे ना शिव जी का बहुत अच्छा है, बहुत सारा ब्लॉग हम लोग शेयर किए भी होंगे वहाँ का, अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि उतना ऊंचा चढ़ नहीं पाएंगे ना, बहुत ऊंचा पहाड़ पे है और छोटा सा बच्चा है तो फिर संभव नहीं है लेके जाना। तो बस ये रहा प्रसाद और ये सारा सामान पूजा वाला जो कि ले ही गए थे। ये कोशिश करते हैं हर महीना जाने की, लेकिन बीच में हम लोग नहीं जा पाए थे कुछ रीजन बस, तभी देना है प्रसाद बांट दे रहे हैं सब लगा के। हाँ बेटा, बाबू का ना सुई दिल लाने के बाद ना उनका धीरे दर्द बढ़ रहा है, वो भी बर्फ का लेप लगाएंगे तो भाभी को बोलते हमारे घर तो फ्रिज है नहीं कि हम जमन तब कर दे क्या जी। हाँ हाँ हाँ, आज अगरबत्ती भी ले आए, बहुत दिनों बाद लाते नहीं थे ना, धूप बत्ती शिव जलाते थे, ठीक ये ले आए तो। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग पूजा के पास मसालेदार तेल वोल रखे होते हैं, ये तेल पता है क्या, तिल का तेल है जो कि हर शनिवार के दिन जलाने काम आता है, काम आता है जैसे शनि भगवान का। और यहाँ पे जितना है सारा प्रसाद, कुछ न कुछ यहाँ पे चुंदरी है प्रसाद है, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक सब रखा हुआ है, सामान सारा पूजा का ही सामान यहाँ पे रखा है, बाकी लोग कुछ नहीं रखते हैं ऐसे, यह एक्स्ट्रा समझ रहता ही नहीं है। अब बाबू को ना दर्द बढ़ गया, फटा सेवा कीजिए पहले, फीवर भी आना शुरू हो गया, फीवर आना शुरू हो गया ना, यही तो प्रॉब्लम है, तुरंत ही फीवर या फिर सूजन हो जाता है। बाबू को दी ना, दे दी बाबू को दाल भात और आलू का भुजिया, क्या दाल भात भुजिया है और क्या है, खाइए टीवी। अच्छा तीसरा दे, हाँ चालू हो गया, खाओ। दोस्तों रूबी के लिए ना आया है निमंत्रण, ये देखिए इनको बोलते हैं, शायद जाने के लिए बोलते हैं कि नहीं, कहाँ गए, ये पकड़ी निमंत्रण कार्ड आया है, कच्चे का निमंत्रण। अच्छा माँ सरस्वती, ये भगवान अभी से लेके हम तीन गुलों को चंदा दे चुके हैं, खाने की तैयारी कर रहे थे, शुभ काम भी हो गया, अच्छी बात है। पनीर हमारे डोगो साहब खाते नहीं थे, लेकिन अभी पनीर का पकौड़ा दबा दिया, इधर चल रहा है काजू खला। ये देखिए
क्या आपको भी चाहिए? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी तब देंगे आपको भी देंगे। तो इनको देखा देखी ना, छोटे वालों को भी चाहिए, बोल रहे थे दे दे, लेकिन खाने के लिए बहुत ज्यादा तोड़ मचा देते हैं। जब तक ना मुझे नहीं होगा तब तो दे नहीं सकते हैं। और मैडम इधर बना रहे पनीर का सब्जी, खा रहे हैं। हम बोला बाबू नहीं खा गए, इसमें हल्का सा बेसन मिक्स कर दी, थोड़ा सा मसाला था मिक्स में, उसको हरा डाल के नमक डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर दिया ताकि बाबू खा ले। तेल में छाना नहीं, बस फ्राई किए हैं बाबा तेल में। और हाँ दोस्तों, आप सबने नोटिस किया है, नाक का नोज रिंग जब हम खोले थे, आपके सामने ही खोले हैं, फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी से मायके में वो चीज लेने की तैयारियां कर रही है, तो आप सब पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो इधर देखिए हमारा मसाला भी कितना अच्छे से भुन जा गया है, और किनारे तक देखिए तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अरे गहने को लेकर तो आप सब बहुत सारा ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ऐसा वैसा, खैर क्या ही बोले हम आप सबको। तो चलिए इधर हमारा मसाला भुन जा रहा है, देखते हैं पतिदेव जी आज कुछ काम कर रहे हैं। वाह इधर देखिए क्या हो रहा है जी, काम है नौका चला काम कर रहे हैं बाबू, बहुत ज्यादा नौ बढ़ गया, बड़ा वाला को काटे थे। हाँ उसका हाथ में काटे हैं। वो क्या करता है ना कि जब अति करेगा ना, पढ़ाई करता है ना, क्या बोलते कलर से, मोम कलर से, तो उसको नाखूना में से खोर लेता है, उसी पर नाखून लग जाता, तो लगता है गंदा है, कलर सब सब छुड़ाए हैं उसका हम। दोस्तों हो गई शाम, इनको दर्द ही बहुत ज्यादा दे रहा है, ऐसे में रोए जा रहे हैं। इनको अभी हम बर्फ लाए थे, थोड़ा सा सेके हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं है। कुछ देर में देखते इनको दवा दिया हुआ है ना, वो दवा दे देंगे। वैसे बुखार का है, लेकिन बोला हुआ था किसी में दर्द भी मिक्स है तो कम हो जाएगा। तो ये देखिए ओरियानी भी चल रहा है, भागुर भी ओरियानी चल रहा है, अच्छा लग रहा है बाबू को, अच्छा लग रहा है, ठंडा अच्छा लग रहा है, ये मौसम अच्छा नहीं ना है। नहीं बाबू, पानी अच्छा खासा गिर रहा है, सब जितना था ना सब मतलब पड़ जाएगा, गिरेगा तो तुरंत खाद मार देंगे, बढ़िया रहेगा। गिरने के बाद पानी गिरा तो खाद मारेंगे, पानी गिरा तो जल जाएगा ना, इस पानी का कोई गारंटी थोड़ी है कितना देर तक गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हो सकता थोड़ा सा गिरे कोई खुल जाए। अभी हम गए थे बाहर में, सब कचरा जला के आए और सब बस पानी लाइट तो है नहीं, लाइट रहता तो कम से कम काम हो जाता, मान ली हाथ डाल दिए तुरंत पानी नहीं गिरेगा तो जल न जाएगा, लाइट नहीं रहेगा तो और खराब हो जाएगा। दोस्त हो गई है रात और ऐसे में नींद बहुत जोर का आ रहा है। इनको देखिए बीबी गोती में ले कहीं सो गए, क्योंकि सो नहीं रहे थे ना, बड़ी मुश्किल से डोलवाई डोलवाई जाके सोते, तो बैठ के लिए हैं तो सोए हैं। ऐसे में नींद इनको आ गई है, लेकिन अगर देखते हैं सूद ला के नीचे शायद सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है हमको भी, और इनका कहना ही नहीं है। सुलाने के बाद पेट में थोड़ा सा भी दर्द देता है ना, तुरंत उठ जा रहे हैं। देखते हैं रात भर क्या करते हैं, बहुत बदमाशियाँ करेंगे। दोस्तों आप सब दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द इनको आराम मिल जाए। आज के ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।